सर एक डाटा एंट्री के नाम पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है सर। क्या फ्रॉड हुआ है? सर एक मतलब मैंने उनका एक काम आया हुआ था, जेमिक्स कंपनी है नाम है उसका, तो उन्होंने एक जॉब के लिए मेरे को मैसेज किया था कि डाटा एंट्री का जॉब है, तो आपको 4 वीक में वही फिलअप करके देना होगा फॉर्म। लगभग 500 फॉर्म थे, तो मैंने उनको लगभग आधे करके दे दिए, क्योंकि मैं सीए कर रहा हूँ तो सर उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो 4 दिन से ऊपर हो गया है, तो उन्होंने मुझे आज कोई एडवोकेट करके, तो उन्होंने मुझे एक वारंट भेजा है कि आपको पेनल्टी लगेगी, वही उनका 20,000 का था तो छः मतलब 6,500 उसका जो रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है वो आपको देना होगा। ठीक है। तो सर मैंने बोला कि भाई मैं तो उल्टे काम करके दे रहा हूँ, आप मुझ पर पेनल्टी लगा रहे हो, ऐसा कौन सा ये है? तो सर इसके लिए क्या किया जाए, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझना क्या है आपको? आपको पेनल्टी किस नाम पे वो लगा रहे हैं? मतलब 90% एक्यूरेसी अरे और भैया, नाइन्टी काम। परसेंट मैंने एक्यूरेसी नहीं किया, या मैंने 50% एक्यूरेसी नहीं किया। अब एक्यूरेसी नहीं किया तो इसके लिए मैं आपको पैसे क्यों दूंगा? या मैंने काम ही नहीं किया तो इसके लिए मैं आपको पैसे क्यों दूंगा? उल्टा मैंने काम किया, जो भी मेरे को उसके पैसे मिलने चाहिए। मैं आपको माना काम मैंने गलत किया, नहीं किया, मैं आपको पैसे क्यों दूँ? मतलब ऐसा वो साइन भी ले लेते हैं डेटा नहीं, वर्ता सर। साइन ले लिया, फोटो ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, वोटर आईडी कार्ड ले लिया, पैन कार्ड ले लिया, एग्रीमेंट बना लिया, उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता है। आपको अब वारंट भेज रहे हैं, एफआईआर भेज रहे हैं, लीगल नोटिस भेज रहे हैं, भेजने दो। उससे कुछ होने वाला थोड़ी है आपको। ना पुलिस पकड़ने जा रही है, ना कोर्ट आपको पकड़ने जा रहा है, तो फिर डर किस बात का? वैसे इंडिया में मैं बता दूं कि डाटा एंट्री, फॉर्म फिलिंग, कैप्चा फिलिंग, इस टाइप से कोई काम होते नहीं है। केवल ये एक वेस्ट ऑफ टाइम होता है, जहाँ पे उल्टा आप अपना समय बर्बाद करते हो और मिलता बदले में कुछ भी, 1 रुपया नहीं है। अब कुछ कंपनियां पहले ही ज्वाइनिंग फी, रजिस्ट्रेशन फी के नाम पे पैसे आपसे ले लेती है, कुछ यूं ही फ्री रजिस्ट्रेशन, नो ज्वाइनिंग फी बोल के काम देती है, और फिर बाद में यूं ही आपको डरा धमका के पैसे उनके द्वारा वसूले जाते हैं। जी तो सर, कहीं से ऐसा इसको कुछ हो लेके आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सर, यहाँ कोई साइबर सुरक्षा में कंप्लेन भी कर देना होगा क्या सर? नहीं, कंप्लेन करने की क्या जरूरत है? आपसे कोई ठगी हुई होती, आपने पैसे दिए होते, तब तो आप कंप्लेन करते ना। कोई नुकसान तो हुआ नहीं है। थैंक यू सर। कभी ऐसा कोई मैटर है जहाँ पे कोई नोटिस, ईमेल, कंज्यूमर कंप्लेन जैसी चीज़ें इनके द्वारा भेजी गई हैं कि आपके खिलाफ़ कंप्लेन किया गया है, काम नहीं करने की वजह से, कंपनी के पैसे नहीं देने की वजह से, आप परेशान ना हो, व्हाट्सएप करें, अपना समय पैसा बचाएं, सारा कुछ बताया जाएगा, जिससे ना इनको पैसे देने का टेंशन, ना घर पे कोई नोटिस आने का, ना कोर्ट, ना पुलिस स्टेशन जाने का, क्या है नहीं है। हेल्प के लिए व्हाट्सएप करें।